मौलाना बोलता है That's my job, baby. Yeah, that's how we do. Yeah. नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. आज मैं मुनव्वर फारूकी साहब के नए नए वीडियो काला जादू पर रिएक्शन करने वाली हूँ. कल ही रिलीज हुआ है, 2.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज अभी तक में भी हो गए. मतलब इट्स क्रेजी भाई. कुछ तो कुछ ज्यादा, हद से ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉमेडी होने वाली है इसके अंदर. भाई टाइटल ही वैसे नेक्स्ट लेवल है, काला जादू. काला जादू को बहुत गहन अध्ययन करा है उन्होंने, तब जाके उन्होंने पेश करा है. एंड इट्स वेरी डीप यार, बहुत नेक्स्ट लेवल वीडियो होगा, ट्रस्ट मी. मुझसे वेट नहीं हो रहा है यार, कल से वेट कर रही हूँ कि आप लोग के साथ देखना है. तो प्लीज अभी मुझे स्टार्ट करने दो वीडियो को. पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. आई होप यू विल लव द कॉमेडी रील्स दैट आई पुट देयर. थोड़ा सा आवाज डिफरेंट हो रही है आज, उसके लिए मुझे माफ कर देना. मेरी तबीयत हल्की सी खराब थी कल. आप लोग से बोला कि यार दुआ दो कि मैं चंगी हो जाऊँ, और एक दिन में मेरा बुखार गायब. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, लव यू. अभी बड़े भाई को देखते हैं यार, इनका लेवल ही अलग है. वेलकम टू द स्टेज, वन एंड ओनली मुनव्वर फारूकी. कोई है करके एक सीरियल आता था, पता है? हाँ. पता है? देखा कर कर करना है? रुक जा, तू कुकर लेके आई है घर से? रुक जा, पहले मैं करता हूं, ठीक है? सिंक करेंगे मस्त. पहले देख लो कितना लंबा है. ब्रो फर्क नहीं पड़ता कौन सी सिटी में शो करो, छोटा करो, महंगी टिकट, सस्ती टिकट, फर्क नहीं पड़ता. हर शो पे एक लंड आदमी रहेगा. हर शो पे रहेगा कि जब मैं ये बोलूंगा ना कि वो कितना लंबा है, लाइक भैया कितना लंबा है. ये मैंने वो ही नहीं करा, डिकोडिंग. ठीक है, वो देख लो ताकि अपन सिंक कर सके. ठीक है, चलो अभी मैं कर रहा हूँ, सिर्फ सुनो. कोई है? ठीक है, अब सब साथ में करेंगे. ठीक है, मैं 1 2 3 करूंगा, उसके बाद कितना लंबा है? 2.3 सेकेंड. सॉरी, मैंने बोला हर शो पे एक रहता है. कभी कभी 2-3 होते हैं. ठीक है, ओके, रेडी है सब लोग? सब लोग रेडी? ठीक है, 1 2 3. कोई ये जूतिया पा करने का तुम लोग पैसा दिए. हमने बट वी लव दिस यार. देश को है करके सीरियल आता था ना, उसमें एक एपिसोड था कुएं वाली आत्मा. जो भी कुएं के पास जाता था उसको ये मार डालती थी. क्यों? क्योंकि ये कुएं में गिर के मर गई थी. भैंसो ध्यान रखना. और मैं बोले, ये गांव वालों को स्विमिंग आती है, कुएं में गिर कर कैसा मरी? बोले, वो कुएं में पानी नहीं था. तो गई क्यों थी? तुम समझ रहे हो, वो कुआ है ना, कोई रंगोली नहीं है तेरे घर के बाहर, कोई बना के चला गया और तेरा पैर गिर गया. ओहो, तू गांव वाली है, तेरे को पता है अगर तेरे को पानी नहीं चाहिए तो तू वहां गई क्यों? कुएं में गिर के सिर्फ टिकटॉकर मर सकते. नहीं, सच में कोई साधारण इंसान नहीं मर सकता, ये टिकटॉकर लोग ही है. ये अपनी धुन में ही नहीं रहता, हवा में उड़ता जाए. गई गई, हवा में उड़ गई, कुएं में गई, कुएं में गई. और इसको गुस्सा किस चीज का? लोगों को मार डालती है. क्या गुस्सा है? कह रहे, मैं छप 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 करके नहीं मर पाई, मैं धप करके मरी. आप लोगों ने देखा नहीं ये सीरियल वगैरह इस तरह के आते थे? टीवी मूवीज वगैरह देखा, वेब सीरीज देखी है, राइट, थिएटर्स में पिक्चरें देखी है. मैंने रियल में देखा है. मैं छोटा था, जूनागढ़, मेरे गांव में एक मौलाना रहते थे. मौलाना जिन निकालते थे. तो एक दिन गया मैं देखने, मेरे घर पे मेरा दोस्त आया था भूरा. अरे भाई,
भूरा फेमस, क्या बात है। तो मैं भूरे को लेके गया, भूरा बोला नहीं भाई मेरे को डर लगा। मैं बोला डरता है मरत, चल डर मत, मैं हूं। हम लोग गए और जैसे हम लोग गए ना तो वहां पे एक लेडी बुरखे में बैठी हुई थी ऐसे। तो मुझे लगा कान में हेडफोन है। मौलाना लड़की की मां को बुला बोली इधर आ जा। क्या हुआ इसको? लड़की की मां बोलती है मौलाना मेरी बेटी एयर होस्टेस एक हफ्ते पहले इंग्लैंड से वापस आई है और जब से वापस आई है इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। वो लड़की के अंदर था इंग्लिश जिन। वो मौलाना को इंग्लिश नहीं आती। मौलाना बुलाए ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर की गांठ फट गई। बोले मौलाना ये क्या करवा रहे? अब जिन बुला लिया, जिन तो आ गया जलाल में। जिन तो लाइक मदरफकर। मौलाना ट्रांसलेटर को पूछे बोले क्या बोला? ट्रांसलेटर को तो कुछ नहीं। मौलाना भड़क गया। मौलाना बोले नहीं बोलो जल्दी क्या बोला? मौलाना मादरचोद बोला तुम्हारे को। मैं और बुरा हंस रहे बोले मौलाना। मौलाना भड़क गया। मौलाना बोले हटो। मौलाना मोती निकाला ऐसे ड्रॉ में से, कुछ तो किया उसने। लड़की गिर गई भाई। तो बोला मार डाला। बुरा बोलता भाई कसौटी जिंदगी मिला, रुक जा ना अपन चश्मदीद गवाह है। मौलाना को जेल भेज के इसकी प्रॉपर्टी कब्जा करेंगे। उतने में लड़की खड़ी हुई। मौलाना शिट यार, ये प्रॉपर्टी हाथ से गई। वो लड़की खड़ी हुई इस तरफ देख रही, इस तरफ देख रही, इस तरफ देख रही। बुरे को देखे पूरा डर मत, बुरा डर मत इतना पागल हो गया। लड़की गई उसकी माँ के पास और जाके खड़ी हुई और उसकी माँ को बोलती है अम्मी मैं कहाँ हूँ, अम्मी यहाँ पे क्या हुआ? एंड वी आर लाइक फक मौलाना डिड इट, कर दिया भाई, कर दिया अपने मोहल्ले का मौलाना भाई। मैं और बुरा क्रेजी हो गए, हम लोग फुगड़ी खेल रहे। लड़की की माँ भी बहुत इमोशनल हो गई, वो भी बहुत इमोशनल हो गई, रोने लगी। मौलाना के पास गई, मौलाना को बोलती है मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटी की जान बचा ली, आपने मेरी बेटी का जिन निकाल दिया। मौलाना बोलता है दैट्स माई जॉब बेबी। ये तो मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ ना, मेरे साथ जो हुआ वो बताऊं? प्लीज। 2007 की बात है, मैं 2007 में जूनागढ़ में रहता था और 2007 में ही मैं जूनागढ़ से इंडिया आया। सी ये जोक भी मैं ऑडियंस का आईक्यू टेस्ट करने के लिए करता हूँ। मैम जीरो। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं 2007 में जब मुंबई आया मैं अपनी आंटी के साथ रहता था और मैं बहुत बीमार हुआ। जब बीमार होते तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग को
गली में डॉक्टर रहता ना, नहीं नहीं जो नॉर्मल डॉक्टर रहता है जो दवाइयां देता है, लेकिन मतलब मैं कितनी बार डॉक्टर को ही पूछ लिया कि डॉक्टर साहब कब आएंगे, तो वो वाला डॉक्टर वो देता था 6 कलर की गोलियां 30 रुपए की पूड़ी बना गया। 2-3 दिन दवाई लिए, ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा। अब रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी, डर गए सब लोग, क्या रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही, डॉक्टर भी बोल रहा कि रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है, और मैं कुछ भी खा रहा हूँ पी रहा हूँ पेट में कुछ नहीं जा रहा, बोले 10 दिन और ऐसा रहा तो ये मर जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी खाता था पीता था ना मेरे पेट में नहीं रहता था, दवाई भी नहीं जाती थी, मैं कुछ खाता था उल्टी हो जाती थी, मैं पानी पीता था उल्टी हो जाती थी। मेरी बिल्डिंग में एक औरत रहती है, वो मेरी आंटी के पास आई और आके बोलती है, सुनो सुनो यहाँ पे ना एक बाबा है, पैसा नहीं लेते, तो जब कोई पैसा नहीं लेता आपका एतबार बढ़ नहीं जाता क्या? अरे पैसा नहीं लेता अच्छा ही करता होगा। मेरे को लेके गए बाबा के पास, बिठाए बाबा ने, ये जो दो अंगूठे है ये मेरे आई बॉल पे रखे और उसको दबाया। भाई आंटी मेरे को दुख रहा है, आंटी बोले बाबा पैसा नहीं लेते। भाई अब समझ रहे हो, कोई मेहनत कर रहा है दुकान लगा के बैठा है और पैसे ही नहीं ले रहा है, तो आप तो भरोसा है भाई ये सही करता है, ये तो लेजिटिमेट बनता है, क्योंकि बाबा लोग की पब्लिसिटी होती है इसकी नहीं है। यूजुअली क्या होता है पता है, स्टिकर लगे हुए रहते पता है ट्रेन में रिक्शा में शौचालय में लगे हुए रहते। आप ऐसे कभी शौचालय में ऐसे जाओ, मैम आप नहीं ब्रो वो तो मूतने खड़े रहेगा ना, तो ऐसा लगता है वो स्टिकर आपसे बात कर रहा है कि ब्रो तू खुश है, तू इसके साथ खुश है। समझ लो ये पब्लिसिटी है, बट ये तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, पैसा ही नहीं लेते दबाया दबाया ना, बाबा छोड़ो मेरे को, बाबा बोलते नहीं छोड़ूंगा। बाबा को लग रहा है उसने जिन पकड़ लिया है। देखो नॉर्मली मेरे को कोई ऐसा दबाएगा तो मैं बोलूंगा ना बाबा छोड़ो यार, बड़ा को जोर से दबाएगा तो मैं बोलूंगा बाबा छोड़ो। तो आंटी को पूछ रहा है, बोले ये आवाज मुनव्वर की है नहीं चिल्ला के बात नहीं करता मुनव्वर कभी, हाँ तो उंगली भी तो नहीं घुसेड़ते घर पे। दबाया जा रहा दबाया जा रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 5 मिनट के बाद मैंने किया कैरेक्टर प्ले, बाबा दबा रहा बोले चला जा इसके अंदर से, मैं बोला चला जाऊंगा। बाबा की भी फट गए बोले ओ और सवाल पूछने लगा कहां से आया इसके अंदर, मैं बोला ये खड़े खड़े पेशाब करता है। पांच मिनट के सोल सेटिस्फेक्शन के बाद बाबा ने छोड़ दिया, मैं गिर गया, आंटी बोली मार डाला। वो बोले नहीं बेहोश हुआ है, मतलब बेहोश अपने को पता है 5 मिनट बेहोश रहने गए। 5 मिनट बेहोश के बाद मैं उठा, मैं कहाँ हूं आंटी क्या हुआ यहां पे, क्योंकि देखो मुझे पता है ना कि चूतिया बना रहा है, बट अब मैं भी तो नहीं बोल सकता कि चूतिया बना रहा है क्योंकि मैं भी चूतिया बना रहा हूं, पाखंडी तो मैं भी हूं। चलो चलो ठीक हो गया हूं मैं, हम लोग ऐसे घर पे आ गए। 2 दिन के बाद मैं ठीक हो गया, मैं ऐसे नेचुरली ठीक हुआ, बट क्रेडिट मिल रहा है बाबा को। मेरी आंटी सबको बिल्डिंग में जाके बता रही है, कोई कैंसर पेशेंट है उसको जाके बोली, बोले यहाँ पे एक बाबा है।
वो कैंसर पेशेंट था कि बाबा है पैसा नहीं लेते। मैंने कहा अच्छा ऐसे चल रहा है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी वाला काम। और हम इंडियंस इन सब चीजों में कितना मानते हैं, ब्लैक मैजिक में, काला जादू में। आई एम नॉट सेइंग है नहीं है, बट इतना नहीं है जितना हम इसके पीछे पागल हो जाते हैं और हम लोग क्या क्या कर देते हैं इसके चक्कर में। आज भी मेरी आंटी को नहीं पता ये, आज भी मैं अगर उनको बोलूंगा ना तो नहीं मान रही वो, मेरे को बोलेगी अच्छा जिन वापस आ रहा है क्योंकि हम यकीन ही ऐसा करते। उसामा बिन लादेन को पकड़ने में अमेरिका को कितने साल लगे थे? 10 years। एक टेररिस्ट को पकड़ने में, ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में अमेरिका सुपर पावर को 10 साल लग गए। जस्ट इमेजिन अगर ओसामा बिन लादेन हावड़ा ब्रिज गिराता तो बंगाली लोग गुड़िया बनाते। इसमें मारते पिन वहां पे ओसामा टीले पे ऐसे बयान कर रहा होगा सभी यहाँ सुब्रो तो मार रहा है घट घट कर। ऐसा काला जादू करते ना, ओसामा खुद फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता आता, आके बोलता हामी मंजूली का अल्हम्दुलिल्लाह। बकरो काटो रक्तदान करबो आई के नॉट आस्क फॉर अ मोर परफेक्ट वीडियो ऑन काला जादू। इतनी बारीकियों से इन्होंने चीजें ऑब्जर्व करके लेकर आई है ना, इट्स क्रेजी यार। इनके वीडियोस देख के कभी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हम लोग घर पे बैठे हुए हैं और वही सब ये हमारे साथ में हैं और मस्ती वाला माहौल है, एकदम लाइफ की टेंशन्स को भूल जाते हैं इन्हें देखकर कि ये तो फॉर श्योर है। जब इंसान एक बहुत ही बड़े मुकाम पे पहुंच जाता है ना तो उसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसे देखने के लिए पूरी दुनिया ईगर होती है। वही केस अभी मुनव्वर फारूकी के साथ है। आज ही लाइट जब जा रही है उसके लिए सॉरी है ना, तो वो हम लोग एक्साइटेड रहते हैं मुनव्वर फारूकी को हमेशा देखने के लिए यार नेक्स्ट क्या लेकर के आएंगे। इनकी जो लेगेसी है ना वो हमेशा मेंटेन रहेगी हमें पता है, बट द थिंग इज दैट वो लेगेसी ना इंक्रीज ही होते जाती है। ऐसे डाउन टू अर्थ सेटल आर्टिस्ट्स की लेगेसी हमेशा बढ़ती है क्योंकि अपनी ओरिजिनलिटी को कभी नहीं भूलते हैं ना, इतना ज्यादा धरती से जुड़े हुए होते हैं। तो मुनव्वर फारूकी आपको बहुत बहुत बधाइयां, आप जितनी आपकी सक्सेस हुई है उससे 1000 करोड़ गुना और आप सक्सेसफुल हों अपनी लाइफ में। और इसी एटीट्यूड के साथ आप हमेशा रहिएगा जैसे आप अभी सबको फैमिली की तरह रखते हैं। Loved your video, I love your work, I love you. I hope आपको आपकी छोटी बहन का ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और हाँ, भूरा भैया का एक अलग ही फैन बेस है यार, उनका नाम सुनते ही मैं खुद हाइपर एक्साइटेड हो गई थी। एंड वो कसौटी जिंदगी वाला जोक, हे भगवान जिसने भी वो पहले वाला वीडियो देखा है ना फारूकी साहब का, उनको अच्छे से पता है कि कसौटी जिंदगी का नाम उन्होंने क्यों लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो विद मी। आपको ऐसी वीडियोस के साथ निधि मिलती रहेगी यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पे कॉमेडी भी करने की कोशिश जारी है तो एक बार आप चेक करना, अच्छा लगे तो फॉलो शॉलो कर लेना जी। कितनी बार शुक्रिया करो, जितनी बार भी कहूँ उतनी बार कम है। दिस इसके लाया रिएक्टर निधि शर्मा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।